अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुछ मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे हमारी मशीन पे हम सिलाई मारते हैं, सिलाई छोटी रहती है, अचानक चलते चलते ये टाँका बड़ी हो जाती है। तो अभी ये हल्लू हल्लू मार रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी टाँका है, ये देख लीजिए। और यहाँ से बड़ी है, देखिए यहाँ पे छोटी टाँका है, यहाँ से छोटी टाँका आई है, फिर चलते चलते बड़ी हो गई है। हम इसको सही कैसे करेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। क्या करेंगे, हम ये गोल चक्री को खोलेंगे और ख़राबी कहाँ है आपको दिखाएंगे। ये जो स्प्रिंग यहाँ पे रहती है इसको हम दबा के पकड़ लेंगे, तब इसको निकालेंगे। ये देखिए ये जो घाट बना हुआ रहता है ना, ये घाट और इसका घाट, ये देख लीजिए, ये छोटा सा रट रहता, इसका घाट ये बिल्कुल गोल हो गई है। इसमें पॉइंट रहती है, ये पॉइंट ख़त्म हो गई है, जिससे पॉइंट की वजह से ये रोकती है। ये गोल हो गई है तो ये रुक नहीं रही है, देख लीजिए, ये देखिए खांच में अटक नहीं रही है, इसलिए पिसल जा रही है। इसका जो पॉइंट रहता है, ये देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट रहती है, ये घिस गई है। ये पॉइंट की वजह से ही नंबर को रोक के रखती है, मतलब सिलाई एक जैसा चलती है। ये पॉइंट घिस जाने की वजह से है ना, टाँका बड़ी हो जाती है। आप छोटी कर रहिएगा, आप मशीन थोड़ा रफ्तार में चलाइएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ये घिसने की वजह से। तो हम इसको क्या भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज ही करना पड़ता है। ये छोटा सा रड रहता, इसको चेंज ही करना पड़ता है, लेकिन अभी तो पूरा मार्केट बंद है, चेंज नहीं कर सकते हैं। और तो हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे हम। पहले ये इसमें एक स्प्रिंग रहती है, ये देखिए इसमें स्प्रिंग रहती है जिसको दबा के रखती है, ये देखिए। कभी कभी क्या होता है, इसका स्प्रिंग भी ढीला हो जाती है ना, तो ये गोल चक्री अपने आप फिरती है, क्योंकि नीचे दब जाती है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके वजह से ये गोल चक्री घूमती है। तो स्प्रिंग ये सही है, बाहर बराबर आ रही है, देखिए यहाँ तक बाहर आ रही है। तब फिलहाल में हम इसको मजबूरी में क्या कर सकते हैं, हम इसको टाइट करेंगे। इसको फंसा दिए, अब बोल्ट को टाइट करेंगे। आसानी से फिर रही है, ये आसानी से फिरना नहीं चाहिए। हम इसको रोकेंगे कैसे, पहले हम देख लेंगे हमारा सिलाई कितना, सिलाई का हम सेटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको फिक्स करेंगे टाँका को। क्या दे रही है, थोड़ा और टाइट करेंगे, साइड अब चला के देखते हैं। अब देखिए इतना पे सही है, इधर का जो टाँका हम सिलाई मारे हैं सही है। ये गोल चक्री है, हम इसको पकड़ लेंगे, ये बोल्ट को खोलेंगे, ये वाला बोल्ट को खोलेंगे,
ये स्प्रिंग को दबा के रखेंगे। ये जो एक बोल्ट दिख रहा है छोटा सा, इसमें अटैच रहता है, जिससे ये रड में और ये दोनों में शर्ट के रहती है, ताकि ये पीछे के हिस्सा में पलटे ना। तो हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, पहले स्प्रिंग का दबा लें। अब देखिए हम इधर करेंगे तो छोटा हो जाएगी। इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे। अब ये इधर करेंगे तो बड़ा होगी, और इधर आगे जितना घुमाएंगे तो ये छोटा हो जाएगी टांका। तो हम इसको इतना लास्ट कर देंगे, यानी यहीं तक रहेगी। यानी ये टांका है ना, छोटा ही चलेगी, बड़ा नहीं हो सकती है। अगर हमको बड़ा करना है तो फिर इसको ये बोल्ट को खोल के और फिर थोड़ा सा आगे करके और फिर ये स्प्रिंग को पकड़ के फिर इसको नचा के फिर इसको हम टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के बाद हमारा सिलाई बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर फिक्स हो जाएगी, तो सिलाई आगे नहीं बढ़ेगी, जितना हमको चाहिए उतना ही रहेगी। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही।